वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम ड्यूअल नेचर के सेकंड वीडियो में आ गए हैं। पहले में हमने बात करी थी कि किस प्रकार इलेक्ट्रॉन का एमिशन होता है, और तब हमने बात करी थी कि मेनली हम फील्ड एमिशन की ऊपर बात नहीं करेंगे, ओनली फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वही ड्यूअल नेचर का पार्ट है। अब आप समझिए ड्यूअल नेचर और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या रिश्ता है, क्यों इस इफेक्ट इस एक्सपेरिमेंट का ही नाम ड्यूअल नेचर है। दरअसल ड्यूअल नेचर में फोटोन के रूप में एनर्जी आती है। आपको पता है लाइट जब ट्रेवल करती है वो फोटोन के फॉर्म में है, तो फोटोन के की तरह एनर्जी आती है, विच इज एच सी बाय लैम्डा और एच न्यू, माने इस वेव की फॉर्म में आती है और आकर किसी मेटल के इलेक्ट्रॉन को टकराती है और इलेक्ट्रॉन को जेनरेट करती है। तो फोटोन आया, एक वेव आई, एक इलेक्ट्रॉन को टकराई और इलेक्ट्रॉन को उसने एनर्जी दे दी। ये बेसिकली क्योंकि फोटोन वेव है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है, ऐसे एनर्जी कन्वर्ट हो गई, तो ये ड्यूअल नेचर के लिए जरूरी होता है। अब दूसरी बात महत्वपूर्ण क्या है, जितने फोटोन हैं हर फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को टकराएगा, कभी भी दो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को नहीं टकरा सकते या एक फोटोन दो इलेक्ट्रॉन को नहीं टकरा सकता, यही ड्यूअल नेचर का बेसिक है। जितने फोटोन होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन को वो टकराएंगे। आइए समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन समझिए, द फिनोमिना ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ सब्सटेंसेस बेसिकली मेटल्स when exposed to electromagnetic radiation of suitable frequency is called photoelectric effect. और जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं and the emitted electrons are called photoelectrons. ये एक basic experimental setup है जो मेरी पिछली slide में भी था। आइए इसको जरा समझते हैं। हमारे पास ये देखिए ये एक T terminal है और ये इसको cover करती हुई C type की एक tube सी है। ये वाली विंडो क्वार्ट्स विंडो है, ये क्या करती है, इसमें से आप एनर्जी जा सकती है। तो ये इंसिडेंट लाइट मैंने यहां पर जाने दी। अब जब इंसिडेंट लाइट फोटोन आया तो टी टर्मिनल के अंदर या टी वाले मेटल के अंदर जितने इलेक्ट्रॉन थे उनको ये फोटोन टकराए, टकराने के बाद उसको एनर्जी दी और कितनी एनर्जी मिल गई, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उससे ज्यादा यदि एनर्जी मिल गई, यदि उससे कम मिली तो कुछ नहीं होना, लेकिन उससे ज्यादा निक मिली तो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाएगा। और एक बार इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकल आएगा, हम इस पॉइंट के ऊपर देखो, इसको मैंने पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया हुआ, ये वाला देखिए पॉजिटिव से, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर भाग के यहां पहुंच जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकल गया पॉजिटिव पोटेंशियल पर टकरा जाएगा। ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट है, इसमें हम मतलब इफेक्ट ऑफ इंसिडेंट लाइट, उसकी इंटेंसिटी को, करंट को मेजर करेंगे वगैरह वगैरह। जरा इसको थोड़ा सा देसी भाषा में समझ लेते हैं ताकि आपको समझने में आसान हो। मैं आपको एग्जांपल जूल्स में देने वाला हूं, लेकिन बाद में वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा, बिकॉज हमारे पास इस चैप्टर में सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चलती है, क्योंकि एनर्जी जूल्स में इतनी बड़ी नहीं आती। अब देखिए ये मान लो 10 जूल हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए, अपने सरफेस तक जाने के लिए एनर्जी चाहिए। अब इसमें दो बातें समझिए, पहली बात ये कहा गया मिनिमम एनर्जी जिसको चाहिए मान लो वो 10 जूल है, इसका मतलब मिनिमम किसको चाहिए होगी, जो सरफेस के बिल्कुल बगल में होगा, बिल्कुल साथ में होगा। अगर अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को चाहिए होगा तो ऑब्वियसली 10 से ज्यादा एनर्जी चाहिए क्योंकि वो ज्यादा अंदर है। तो सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन, सबसे मिनिमम एनर्जी जिसको चाहिए वो हम उस मेटल का वर्क फंक्शन बोलते हैं। मान लीजिए वो 10 जूल है, अब आपने उस पर फोटोन को इंसिडेंट किया या मारा कहिए, तो फोटोन की एनर्जी यदि तो 10 से कम है तो फोटोन क्या करेगा, वो मेटल फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेगा और हीट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि आपकी एनर्जी जितनी एनर्जी उसको बाहर आना है उससे आपकी एनर्जी कम है। इसका कॉमन एग्जांपल, आप धूप के अंदर कोई मेटल छोड़ दीजिए, मेटल गर्म हो जाता है, तो मेटल को एनर्जी कहां से मिलती है, फोटोन लाइट का आया और उसने एब्जॉर्ब कर लिया, माने काला
मेटल रख दीजिए जो लाइट को अब्सॉर्ब करे, शीशा मत रखिएगा, शीशा ज्यादा ठंडा नहीं होता, क्यों, शीशा लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। जो सिस्टम लाइट को एब्जॉर्ब करे, माने काला प्लेट रख दीजिए, लोहे की प्लेट जो डार्क कलर की वो रख दीजिए, वो ज्यादा गर्म हो जाती है क्योंकि वो इंसिडेंट फोटोन को एब्जॉर्ब कर लेती है और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ा देती है। तो जब तक 10 जूल मान लो वर्क फंक्शन है तो आपके पास एनर्जी 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक, 9 तक आएगी तो हमारा इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा बल्कि मेटल गर्म हो जाएगा। अब मान लो आपने एनर्जी 10 जूल दे दी तो इसका मतलब जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस स्थिति पर है उसको एनर्जी मिल गई। देखिए जहां एनर्जी इलेक्ट्रॉन था एनर्जी मिल गई तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, बाहर आ गया। और इस पॉइंट को देखिए, सी वाले को मैंने पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया हुआ है तो इलेक्ट्रॉन भाग के यहां पहुंच जाएगा। ठीक, ये नॉर्मल फिनोमेना हो गया। मैंने 10 जूल मैंने वर्क फंक्शन माना, फोटोन की एनर्जी 10 से कम है तो सिर्फ मेटल गर्म होगा, 10 है तो बाहर आएगा। पर आइए इसकी एक स्टेप आगे बात करते हैं। मान लो मैंने एनर्जी 12 जूल दे दी तो 10 जूल तो एब्जॉर्ब कर गया इलेक्ट्रॉन बाहर आते आते, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो उसकी स्वयं की एनर्जी 2 जूल होगी, ठीक है ना, और वो पॉजिटिव प्लेट पे भाग जाएगा। अब अगली बार मैंने एनर्जी 14 जूल दे दी तो इसका मतलब अब जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसके अंदर 4 जूल एनर्जी मिलेगी क्योंकि 10 खाई गई बाकी 4 मिल गई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बढ़ती जाएगी जितने ज्यादा आप फोटोन को देंगे। परंतु फिर वही बात याद रखिए, इसको मत भूलिएगा कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को टकराता है। अब यहां पर पॉजिटिव प्लेट यदि मैंने रखी हुई है तो जो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा वो सीधा यहां पहुंच जाएगा, परंतु अगर मेरे पास 4 जूल का इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकला, टी से सी जाने में 4 जूल का इलेक्ट्रॉन बाहर निकला और मैंने इसको यहां पर रोकना है तो मुझे इस पॉइंट पर पॉजिटिव नहीं नेगेटिव पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। तो जो नेगेटिव पोटेंशियल लगाऊंगा कितना, 4 जूल के बराबर का नेगेटिव पोटेंशियल यहां लगाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन निकलना निकल तो जाएंगे यहां, इस सर्किट तक नहीं कंप्लीट करेंगे। तो वो 4 जूल के कॉरेस्पॉन्डिंग जो वोल्टेज आएगी उसका नाम स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल होगा। लेकिन याद रखना वो रिटार्डिंग पोटेंशियल माइनस होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव यहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव पर तो भागा जाएगा, तो मुझे रिटार्डिंग पोटेंशियल करना। इसलिए हमारे ग्राफ में रिटार्डिंग पोटेंशियल हमेशा माइनस दिखाया जाता है। अब यदि 4 वोल्ट के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी के ऊपर ये इलेक्ट्रॉन रुक जाता है और अगर मैंने फोटोन मैंने मान लीजिए 18 जूल का फेंक दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने का निकलेगा, यू आर राइट, 8 जूल का। तो मेरे को ये 4 जूल वाला रोक पाएगा क्या, नहीं, अब मुझे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा। इस बात को समझाने का मतलब यह है स्टॉपिंग पोटेंशियल इनवेरिएबली इलेक्ट्रॉन की निकलने वाली एनर्जी को नाप रहा है। जितनी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतनी ज्यादा आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाना पड़ेगा। अब अगली स्लाइड में जाने के बाद आगे के लिए आप जूल्स भूल जाइएगा, हर चीज हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करेंगे। देखिए डेफिनेशन रिवाइज करिए, पहला वर्क फंक्शन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय इलेक्ट्रॉन टू जस्ट एस्केप फ्रॉम द मेटल सर्फेस इज नोन एज वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। इन फैक्ट अब आपको मैं ये बताऊं, किसी का वर्क फंक्शन जितना है उतने की फोटोन आप उसमें मारेंगे तो जरूरी नहीं फोटोन निकले, क्योंकि कई बार फोटोन अंदर के इलेक्ट्रॉन को टच कर जाएगा। इनफैक्ट प्रैक्टिकलिटी में 2 से 5% तक के ही फोटोन असल में इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते हैं, माने अगर एनर्जी ज्यादा है उसके बावजूद, क्योंकि बाकी सब दाएं बाएं पहुंच जाते हैं। लेकिन थ्योरेटिकली प्लस टू के लेवल के ऊपर हम ये मान के चलते हैं कि जितने फोटोन आए उससे इलेक्ट्रॉन निकले, हम ये मान के चलते हैं। परंतु अगर आप एक्सपेरिमेंटल चीज पे या थोड़ा हाई लेवल पे पढ़ेंगे तो 5% से भी कम फोटोन इलेक्ट्रॉन को निकाल पाते हैं, लेकिन हाँ उसकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होनी चाहिए। फिर एक वर्ड है स्टॉपिंग पोटेंशियल, द वैल्यू ऑफ द रिटार्डिंग पोटेंशियल एट विच द फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम जीरो इज कॉल्ड कट ऑफ और स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ये गिवन फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा, क्योंकि गिवन फ्रीक्वेंसी से पता लगेगा आपका फोटोन 8 जूल का था, 10 का था, 12 का था, 15 का था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, सॉरी फोटोन की एच न्यू, तो न्यू माने फ्रीक्वेंसी, तो हर फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग स्टॉपिंग पोटेंशियल होने वाला है। फिर एक और शब्द देखिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो 8 जूल हमने, जब 10 जूल हमारा वर्क फंक्शन था तो हमने 10 जूल का फोटोन मारा था
तो वो 10 जूल का फोटोन जो है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो देसी भाषा में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। आइए इसको टेक्निकली समझते हैं। द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप्स ऑल टुगेदर इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। माने इतने पर रुक जाता है। ध्यान देना इस डेफिनेशन पे। टेक्निकली हमने ये नहीं कहा कि इसके बियॉन्ड शुरू हो जाएगा, बिकॉज वही बात है वो 5% ही करेंगे बाकी नहीं करेंगे। लेकिन हम प्लस टू के अपने क्लास 12th के लेवल में मानते हैं कि जितने आपने लगाए सारे के सारे उसको बाहर निकाल देते हैं, हम ऐसा लेकर चलते हैं। क्लियर है? आइए अब हमने दो चीजें और समझनी हैं ग्राफ्स पर। ये देखिए ग्राफ इस चैप्टर में बड़े इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ये किसका ग्राफ है? देखिए इंटेंसिटी और करंट का। जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो करंट बढ़ी, लेकिन उसके पहले इंटेंसिटी जिसकी आप बढ़ा रहे हो उस फोटोन की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से बड़ी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। मतलब उस फोटोन में इलेक्ट्रॉन को मिनिमम निकालने की एनर्जी से ज्यादा एनर्जी सबसे पहले होनी चाहिए, और उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ेगी तो करंट बढ़ेगी। अब ऐसा क्यों? देखो जब हम वेव नेचर की बात करते हैं तो हम कहते थे इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड्स का स्क्वायर, यदि वेव है। लेकिन पार्टिकल नेचर में इंटेंसिटी बिकम्स नंबर ऑफ फोटोन स्ट्राइकिंग पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इंटेंसिटी बढ़ाने का क्या मतलब हुआ? नंबर ऑफ फोटॉन्स को आप बढ़ा रहे हो, ऑब्वियसली पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नंबर ऑफ फोटॉन बढ़ने से क्या होगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा निकलेंगे। वो कंडीशन तो है ही कि सबकी एनर्जी आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड से ज्यादा होगी, सबकी फ्रीक्वेंसी और सबकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। ये कंडीशन तो है ही है, उससे पहले कुछ नहीं है। इसलिए लाइन देखिए, इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी देयर बाय इंक्रीजिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इंक्रीजेस मोर फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और करंट का फॉर्मूला आई इज इक्वल टू वीई, यानी आपको मालूम है अब एन बढ़ गया तो करंट बढ़ गई, स्ट्रेट अवे स्ट्रेट प्रोपोर्शनल है, आई प्रोपोर्शनल टू एन है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने से आप नंबर ऑफ फोटोन बढ़ा लेंगे, इस वजह से इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होता है। लेकिन हां एनर्जी ऑफ फोटोन शुड बी ग्रेटर देन दी वर्क फंक्शन, ये दूसरा लीजिए। अब इसमें देखिए हमारा एक स्टॉपिंग पोटेंशियल है और हमने क्या किया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी को बढ़ाया। देखो बात इंटेंसिटी की चल रही है। अब इंटेंसिटी इज इंक्रीज ड्यू टू मोर फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड, सैचुरेशन करंट इंक्रीजेस, मतलब आई इंक्रीज। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन, इट डज नॉट चेंज। अब यहां देखो इस पॉइंट पे स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है, मतलब मैंने एक फोटोन की एनर्जी नहीं बढ़ाई परंतु नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाए। नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ाने से नंबर ऑफ करंट बढ़ेगी। ग्राफ को देखिएगा, पहला ग्राफ इंटेंसिटी और करंट का है, ये करंट का है और स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स। इसमें हमने इंटेंसिटी को बार बार बदला, इसमें तो एक ही इंटेंसिटी बढ़ी है, फर्क समझिए ग्राफ को। क्लियर? इसके बाद देखिए एक ग्राफ हमारा यह है जिसके अंदर हमने, अब देखो रिटार्डिंग पोटेंशियल बढ़ गया है और हमारी फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। देखो न्यू वन न्यू टू न्यू थ्री, माने एच न्यू एनर्जी होती है, माने फोटोन की एनर्जी मैंने बढ़ाई परंतु इंटेंसिटी नहीं बढ़ाई। इस ग्राफ में इसमें हमने क्या किया, इंटेंसिटी को कॉन्स्टेंट रखा। एज द ग्राफ द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज। फ्रीक्वेंसी का मतलब एच न्यू, एच न्यू का मतलब एनर्जी, बट इंटेंसिटी रिमेन्स द सेम, इंटेंसिटी कॉन्स्टेंट रखा है। तो सैचुएशन करंट कॉन्स्टेंट रहेगी, परंतु महत्वपूर्ण बात क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। ये देखिए जितनी ज्यादा कर रहे हैं, न्यू थ्री बड़ा है, न्यू टू उससे छोटा, न्यू वन तो उससे छोटा, ये वीओ की वैल्यू उससे कम हो रही है, पहली बात। दूसरा आप देखें ये वी माइनस में, दैट्स व्हाट इट्स कॉल्ड रिटार्डिंग पोटेंशियल। मैंने आपसे कहा इलेक्ट्रॉन ने निकलना है तो हमारा पोटेंशियल रोकने के लिए माइनस होना चाहिए, अगर पॉजिटिव रखोगे तो कुछ भी रखोगे इलेक्ट्रॉन बाहर निकल ही जाएगा। आइए ये अगला ग्राफ है जो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में है। इसमें खास बात समझने वाली है कि देखिए ये ग्राफ है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, देखिए एच न्यू इज द इंस्टेंट एनर्जी, एच न्यू नॉट क्या है वर्क फंक्शन, और ईवी नॉट क्या है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो जितनी आपने एनर्जी दी कुछ तो गई बाहर आने में और बाकी उसकी एनर्जी बन गई। देसी भाषा में हमने जो एग्जांपल लिया था, मान लीजिए 10 जूल हमको एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, तो एच न्यू नॉट क्या है, ये है 10 जूल, और आपने फेंका 15 जूल, तो ये कितना आ गया 5 जूल।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 5 जूल एनर्जी लेकर निकलेगा। हमने इस फॉर्मूले को यहीं पर सीधा लिख दिया। तो वी नॉट का मैंने वी नॉट का ग्राफ बना दिया, आपको याद होगा जो मैथ्स वाले बच्चे उनको ज्यादा पता होगा, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है एम स्लोप, इसका स्लोप क्या है एच अपॉन ई। लेकिन ग्राफ किस में स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी, अगर उल्टा कर दोगे तो हमारे पास ई बाय एच आ जाएगा। और ये क्या है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी माने वाई इंटरसेप्ट, तो इसका ये वाली चीज वाई इंटरसेप्ट। याद रखना स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी का ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन है, इसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट है बिकॉज एच अपॉन ई स्लोप है, एच भी कांस्टेंट है बेटा ई भी कांस्टेंट है। इनफैक्ट इसके स्लोप से हम लोग कई बार इलेक्ट्रॉन का चार्ज या प्लैंक्स कांस्टेंट से कोई एक चीज निकाल सकते हैं प्रोवाइडेड दूसरी मालूम हो। तो ये कॉन्सेप्चुअल हमने पार्ट किया। अगली बार आइंस्टाइन के लॉज को इक्वेशंस को हम स्टडी करेंगे फोटोइलेक्ट्रिक को, दैट विल बी द नेक्स्ट एपिसोड फॉर ड्यूअल नेचर। इसको यूज करें, टेल योर फ्रेंड्स टू यूज इट, आई होप आपके काम आएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।